फिर मेरी गाड़ी चला के दिखाओ। जरूर दिखाऊंगा छोटी मालकिन, जरूर दिखाऊंगा। और उसके बाद आप मेरा रिक्शा जरूर चलाइएगा। जाकर कैसे गिर गई? गॉड, मन कर रहा है अभी जाकर नहा लूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। आई नीड अ शावर। दांत निकल के क्यों खा रहे हो? खाने जा रही है। हाँ क्यों? क्योंकि तुमने मुझे टच किया है। आई कैनॉट टेक इट। मैं तुम्हें और नहीं टॉलरेट कर सकती। दद्दा ने तुमको सर पर चढ़ा के रख दिया है। सुनो, मुझे ये सब एकदम पसंद नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। हाँ, तो क्या सहन कर सकती है उस रॉकी को? देखिए छोटी मालकिन, अभी भी वक्त है। खुद को धोखा ना देकर ये शादी तोड़ दीजिए। कन्हैया, शादी तोड़ दीजिए छोटी मालकिन, और मत सोचिए। देखिए, अगर ये शादी हो गई ना तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मैं कह रहा हूं, और एक सच बात कहूं, बिल्कुल सच, आप भी जानती हैं कि रॉकी सर आपसे प्यार नहीं करते। हाँ, वो प्यार जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से, जानकी प्रसाद चौधरी जी के शानो शौकत से। इसलिए कह रहा हूं छोटी मालकिन, इस गरीब कन्हैया सर्विस सेंटर के मालिक की बात मान लीजिए और ये शादी तोड़ दीजिए। ये शादी नहीं टूट सकती। क्यों उसका दिमाग खराब कर रहे हो? जयंतिका की इस शादी को खुद जानकी प्रसाद जी ने तय किया है, और वैसे भी डाली किससे शादी करेगी या नहीं करेगी, इस बारे में राय देने वाले तुम कौन होते हो? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अब तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तेरे दत्ता की नाक कट जाए। इससे पहले तेरी शादी के लिए तेरे दत्ता को बहुत कुछ सुनना पड़ा। एक के बाद एक लड़के आए और तेरे दत्ता को कितना कुछ सुना के गए, और स्वयंवर में भी बड़े काका को कितना अपमानित होना पड़ा। सुन, बड़े काका के साथ अब कोई नाटक या मजाक नहीं। अगर तू सच में तेरे दत्ता से प्यार करती है तो उन्हें तू चोट नहीं पहुंचाएगी, समझी? मौसी, मौसी, मैं दत्ता से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो रॉकी को। रॉकी क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं नहा कर आती हूँ। अभी नहाने जाएगी? क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इस कन्हैया के हाथ में जाकर गिरी थी, और मैं इसका टच नहीं सहन कर सकती, नहीं सहन कर सकती। Get out. निकल जाओ यहाँ से। Get lost. इस कन्हैया का ही टच सहना पड़ेगा छोटी मालकिन, आप तैयार रहना। कौन बता सकता है कि शादी के मंडप में क्या होने वाला है? अब सबकी नजर तो जानकी प्रसाद चौधरी के पैसों पर टिकी है। मैं भी कोई अंधा तो हूं नहीं, मेरी भी नजर वही टिकी है। जय कन्हैया लाल की। अरे कोई है, जरा चाय शाय तो दो, समझो सूरज डूब ही गया। आ गया, आ गया, आ गया बड़े मालिक, आ गया। और सिर्फ गर्मा गर्म चाय क्यों, उसके साथ और कुछ भी है। क्या लाया रे?
गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म कस्ता कचौड़ी, गर्मा गर्म चाय की चुस्की लगाइए, मन और दिमाग दोनों शांत, आस्था से सीधा दार्जिलिंग, मजा आ जाएगा। लीजिए। कन्हैया जो कहता है 16 आना सही कहता है। क्या बड़े मालिक, जिसका कन्हैया नहीं उसका कोई नहीं है। कचौड़ी, जरा कचौड़ी खा के देखो तो। हाँ, जय हो, तेरी जय हो। अच्छा बड़े मालिक, मैं क्या कह रहा था कि अब तो घर में शादी की शनाई बजने वाली है। वो तो है। हाँ, तो उसके पहले एक बार अगर क्या? बड़े मालिक मतलब कहने का है कि बोल ना बोल। बड़े मालिक आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना? अरे क्यों गुस्सा हो जाऊंगा, नहीं मतलब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? अरे नहीं रे, तू ही तो मेरा संकट मोचन है। क्या कह रहे हैं बड़े वाले? कितना अच्छा खिलाता है, शरीर मन जवान हो रहा है। सुबह सुबह एक्सरसाइज, जॉगिंग, योग, व्यायाम। हाँ बिल्कुल सही बड़े मारे, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मैं ना आपको जिम लेकर जाऊंगा, वहाँ पे आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना होगा। ये ट्रेडमिल का है? अरे मैंने तो सुबह का मेल, दोपहर का मेल, रात का मेल, राइस का मेल सुना है, ये ट्रेडमिल क्या होता है? बड़े वाले ट्रेडमिल ना, ट्रेडमिल एक यंत्र है, उस पे आपको ऐसे ऐसे दौड़ना होगा। क्यों, मैदान छोड़ के यंत्र पर दौड़ना? बड़े वाले वहां सिर्फ ट्रेडमिल नहीं है, और भी बहुत कुछ है, बेंच प्रेस है, लेग प्रेस है, आप बस देखते जाइए। आपको जिम लेकर जाऊंगा, फिर ऐसी बॉडी बनवाऊंगा ना एकदम डोले शोले सलमान का। ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं होगा बड़े मालिक। अब देखिए आपकी पोती की शादी होने वाली है, भांगड़ा डांस करना पड़ेगा ना, फिर पर पोती पर पोता वो भी तो आएंगे, उनके साथ भी धमाका करना है। इतने सारे सपने मत दिखा रहे कन्हैया। नहीं 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 बड़े मालिक, मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ, देखेगा मैं करके दिखाऊंगा। बस बस एक अनुरोध है। हाँ बोल। बड़े मालिक जन्मदिन काहे का जन्मदिन? मैं अंदर आ जाऊं? कौन? अरे बाप रे, जो डर गया वो मर गया, मैं तो बिना डरे ही मर गया। जानकी प्रसाद जी। कौन हो तुम? मैं। अरे ये गले की आवाज कैसी है? अरे तुम लड़की तो नहीं हो जो लड़के के पोशाक में आई हो? नहीं, बड़े मालिक। अरे कौन हो तुम, कौन? अरे ये इस तरह लज्जावती बन के शर्माती क्यों? अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। अरे तुम कहां से टपक पड़े, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई थी, वापस क्यों आए हैं? वैजंती, वैजंती। बड़े मालिक शांत हो जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि नौकरी तो चली गई है उनकी, लेकिन क्या है ना, मुन्नी दीदी के वो फिफ्थ ईयर की एग्जाम है, तालीम की बहुत जरूरत है। अब आप ही सोचिए ये लास्ट मोमेंट पे कौन मास्टर कहाँ मिलेगा, मतलब आप समझ रहे ना। ठीक है उसे कह दे। क्या? बदमाशी नहीं चलेगी, मैंने सब देखा है। क्या देखा है बड़े मालिक? ये वैजंती ठीक ही कहती है, ये तबला मास्टर का तबला जब बंद हो जाता ना तो कभी कार्ड हाथ में आ जाता है, कभी मुन्नी का हाथ। ठीक है जाओ। ए सुनो जी, तबला बंद नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तुम्हें बजाना ही पड़ेगा। जी ठीक है, मैं अच्छे से बजाऊंगा। ठीक है जाओ। हाँ तो क्या कह रहा था, जन्मदिन? हाँ बड़े मालिक, वो जन्मदिन आ रहा है ना। हाँ बोल। बड़े मालिक जन्मदिन आ रहा है छोटी मालकिन का, तो मैं सोच रहा था अगर मनाया जाए तो। नहीं, डाली का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, बहुत साल पहले ये बंद हो चुका है, सेलिब्रेशन नहीं होगा। मुझे पता है बड़े मालिक, लेकिन फिर से अगर। नहीं, कुछ अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों बड़े मालिक, मनाइए ना, आपकी एक लौती पोती है। तू नहीं जानता है डाली के जन्मदिन में इस घर में क्या हुआ था बड़े मालिक? कुछ नहीं, डाली का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, बस। बड़े मालिक आपने तो अपना फैसला सुना दिया और चले गए।
लेकिन मेरी इच्छा थी कि छोटी मालकिन का जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन आपने तो ना कह दिया है। ठीक बराबर है, लेकिन मैं भी कह देता हूं, जन्मदिन तो मनाया जाएगा, छोटी मालकिन का जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अरे इसीलिए तो मैं लौट कर आया हूं। मुन्नी शुरू करें। जय मां वीणा वादिनी। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। सुनिए जी, बोलिए। चाय। अरे सुन सुन, आज भी चाय फटे हुए दूध की है क्या? फटा हुआ दूध और बची कुची चाय पत्ती। क्यों? फ्रिज में तो रखा हुआ था, मैंने खुद रखा था। एक दिन तो अच्छी चाय पिला दे। चुप, एकदम चुप। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जा जाकर अपना गाना गा। बढ़िया ही। जा जा। मुन्नी शुरू करें। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मास्टर जी, सुर और ताल में तो प्यार ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ? ये सम, इस पर तो वापस आना होगा। खाली और ताली पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गाना बजाना साथ में नहीं हो रहा है। क्यों, ठीक नहीं था? ना ना ना, ना बिल्कुल ठीक नहीं था मास्टर जी, सिर्फ लड़की को देखने से गाना बजाना थोड़ी ना होता है। तेरा बाजू ही, चलिए साइड हटिए जल्दी से। हाँ थोड़ा जगह दीजिए। गुरुदेव, अब देखिए और सुनिए कि गाना किसे कहते हैं। लगा। अरे वाह वाह, क्या आवाज है, सुर ताल दोनों में ही माहिर। क्या बात कन्हैया। बड़े वाले क्यों नहीं होगा, अब किससे गंडा बनवाया था ये भी तो देखिए। गंडा? शीला दीदी, गंडा मतलब आम भाषा में, यहाँ की भाषा में उसे नाड़ा कहते हैं। नाड़ा? हाँ, तो मशहूर रामपुर घराने के जो मेरे गुरु थे। चुप, एकदम चुप। गप्पी कहीं का, तुम फिर से गप्पे मार रहे हो ना। ए, चुप, एकदम चुप हो जा। हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रहा था? हाँ तो बड़े वाले, मैं क्या कह रहा था, बिल्कुल बनारस के घाट पर बिल्कुल गंगा मैया के सामने मैंने गंडा बनवाया था। वहीं पर मैंने तालीम ली और सुर को पक्का किया। क्या राग थे, अहिर भैरव, भीम पलासी, दरबारी, भैरवी, आह आह। मैं भी कभी एक टाइम में गाना गाता था। बात कर रहे हैं बड़े मालिक, आपको गाना आता है? हाँ। मैं भी थोड़ा बहुत गाना गाता था, पर बहुत दिन हो गए ना, अब जरा शर्माता हूँ। बड़े मालिक, नहीं नहीं, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आप गा के तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए। शुरू करूँ? शुरू हो जा। वाह 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 वाह, जम गई मजलिस। वाह बड़े मालिक वाह, आप तो छुपे रुस्तम निकले एकदम।
एकदम सही टाइम है, जाके पैर छू लूं। जा क्यों? अरे प्रणाम, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। दीर्घ जीवी वाओ विजय भव, तुम्हारी इच्छा पूरी हुआ। अरे कन्हैया जी, बड़े भाई, बड़े दिनों के बाद मजलिस जम गई, गाना गाया, मजा आया, मन प्रफुल्लित हो गया। बस 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 बस। कन्हैया, ये तुमने उनसे प्रणाम करने के लिए क्यों कहा? मुन्नी दीदी, इसे कहते हैं मौके पर चौका। अब क्या है ना, बड़े मालिक के साथ इनकी फिटिंग और सेटिंग दोनों हो गई है। अब तबला बजे या ना बजे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।